ओ, कब से फोन बज रहा है? किसका फोन है? वकील का फोन है। तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं? जिसे मैं उम्मीद की किरण समझ रहा था, उसने तो मेरी आंखें चुंदिया दी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या आप अपना फैसला? मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं झोंकना चाहता। तो फिर बस कुछ वक्त के लिए इस बात को रोक देना चाहता हूं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम, शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए बेटी के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वालेकुम सलाम। जी जी वकील साहब, माफी चाहता हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। जी मैं खुद आपसे रब्ता करूंगा, मुझे वक्त चाहिए थोड़ा सा। जी खुदा हाफिज। तुमने मुझे तीन बेटी देखकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। बच्चे कर ऐसे खुशियां थे, सेहत वाली जिंदगी थी, भूख की नजर से बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने से चीजें इतनी बदल जाएंगी। आज तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए तवज्जो और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये प्यार और तवज्जो मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को उसके हिस्से का प्यार मिल रहा है। फिलहाल वो मुश्किल में है, उसका रवैया तुम्हें बदला हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसके असल को मत भूल जाना। तो अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। कहीं अम्मी ने जो कहा ये बदलाव, नहीं नहीं ये सब कुछ दिखावा नहीं हो सकता। उनका बदलाव सिर्फ जाहिर ही नहीं था, हालात ने उन्हें सच में अंदर से बदल दिया है। हाँ, मुझे इस वक्त उन्हें मजीद मुश्किल में डालना मुनासिब नहीं लगता। मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर ही इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला करूंगी।